हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। निर्मला यादव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए। दोस्तों देख सकते हैं मेरे वीडियो में, दोस्तों मैं अभी को वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम नहीं मिला था दोस्तों, खाना बनाने में थी दोस्तों, अभी भी खाना ही बना रही हूँ। बाकी सारा काम जो आई हैं संध्या जी, अब ये मत करिएगा कि मैं उनको काम करने के लिए बुलाई हूँ, कमेंट गलत मत करिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों मतलब हाथ बटाई हैं काम में, ये नहीं कि मतलब अकेले वो की हैं, हाथ बटाई हैं तो हम लोग दोनों मिलकर काम कर लिए हैं। अब जा रहे हैं रोजी, तुम शांत रहो रोजी। तो दोस्तों अब मैं चल रही हूँ, अब शाम को बनाऊंगी पकौड़ी रिकॉज के पत्ते का, देख रहे हैं इसका पकौड़ी आज बनाऊंगी मैं शाम को और सब लोग खाएंगे हम लोग। अभी तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत, देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है दोस्तों, कितना सुंदर सुंदर हुआ है, देखो आप लोग, वैन सुंदर 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 मुंडर वैन। तो दोस्तों इधर हमारे हस्बैंड जी काम कर रहे हैं, सो आपको दिखाती खक्से को पेट्रोल में डालकर उसे कुछ पदार्थ बना रहे थे, तो मैं आप लोगों को दिखाती उस टाइम, क्योंकि उस टाइम वीडियो में नहीं बना रही थी, काम कर रही थी, पता ना कहाँ गए बनाते बनाते कहीं गए हैं लगता है। दोस्तों आज है संडे, तो आज संडे के दिन गाड़ी खड़ी है घर पे और इधर मोटरसाइकिल है खड़ी दुपहिया यानी, और आई थी तभी सफाई की थी दोस्तों। और ये वाला जो रूम है खाली पड़ा हुआ है, ये जो रूम खाली पड़ा हुआ है दोस्तों, तो किनको किनको लेना है रूम ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और एक लोग कमेंट की हैं कि हमको रूम लेना है, और मैं उनको जानती हूँ, ऐसा उन्होंने कह रही थी कि मैं उनको जानती हूँ, तो अभी मैं कमेंट पढ़ी हूँ, अब चल रही हूँ उनसे, फिर से बात करती हूँ क्या कहती हैं। अगर रूम लेना है उनको तो मैं उनको नंबर दूंगी और उनसे बात करूँगी उसके बाद फिर। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बातें हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, देखिए हाथ बटाई हैं काम की हैं, यही सुबह उठी हैं तो ये 3 बजे उठ गई थी, बता रही थी 3 बजे मैं उठ गई हूँ, और मैं उठी थी दोस्तों लेट से 6 बजे। आज सोचिए दोस्तों मेरे घर में आई हैं 3 बजे ही उठी हैं, मैं उठी हूँ 6 बजे, उठी थी मगर मतलब बिस्तर पे ही थी, नहीं निकली थी बाहर। और क्या बताएं आप लोग के दोस्तों, सारा काम हो गया है। अब संध्या यादव जी का थोड़ा मतलब आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे संध्या ब्लॉग है एक चैनल का नाम है, एक चैनल का नाम है संध्या ऑफिशियल ब्लॉग है, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनको, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।